गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ के लिए एक कहानी है मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। अगले वीडियो के माध्यम से आप महादेवी वर्मा की जीवनी तथा उनके बचपन के दिन में उनके जो सहयोगी थी उनके अध्ययन काल की बातों को समझ लिया है। और आज के क्लास में आप यहाँ समझेंगे कि महादेवी वर्मा के जीवन में एक दोस्त का क्या स्थान हुआ, क्या महत्व हुआ और क्या अपनी माँ से उन्होंने सीखा। जैसा कि आप यहाँ तक समझ गए थे कि उनकी माँ जो मीरा का पद गाती थी उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो भी साथ में गुनगुनाती थी। और जब उनकी मुलाकात छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान से हुआ तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इन बातों को देखना होगा। जब वो सुबह में प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का पद गाती थी तो सुन सुन कर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में जो लिखती थी उसके बारे में लिखना उनके लिए प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनमें से छिपा छिपा कर लिखती थी। क्योंकि हमें यह एहसास था कि सुभद्रा कुमारी जो ब्रज भाषा में लिखती हैं, मैं भी उनका नकल कर ब्रज भाषा का उपयोग कर रही हूँ, हो ना हो उन्हें इन बातों को जानकर अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए मैं अपनी लेखनी को छुपाकर लिखना चाहूँ। और ऐसा करते हुए सुभद्रा कुमारी जी बड़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी और मैंने उसे बड़ी कह के संबोधित किया, महादेवी तुम कविता लिखती हो। किसी तरह से उन्हें एहसास हो गया कि महादेवी भी कविता लिखती है। उन्होंने खुद बुलाकर उनसे ये बात स्पष्ट पूछी कि महादेवी तुम कविता लिखती हो, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। जब वह पूछी तो मैं काफ़ी अंदर से डर गई और डर के मारे ना कह दी। उसे लगा, महादेवी जी को यह बात लगा कि कहीं सुभद्रा जी को यह बात बुरा ना लग जाए कि मैं उनकी नकल कर ब्रजभाषा में कविता लिख रही हूँ। लेकिन नहीं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, सुभद्रा जी विदुषी थीं, उन्हें इस बात को जरा भी समझने में देर ना हुआ कि महादेवी के अंदर कौन सी कला छिपी हुई है। एक दिन उन्होंने कहा, तुम मेरी डेक्स की कविता की तलाश ली और बहुत सा वहाँ कविता निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने मेरे साथ कागज के लिए मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। महादेवी जी ने यह लिखा है कि जिस तरह कोई अपराधी सामने आता है तो पकड़ने वाले को काफ़ी खुशी होती है कि मैंने अपना परिश्रम के बल से इस अपराधी को पकड़ लिया। उसी तरह सुभद्रा जी मेरी कविता को लेकर पूरे छात्रावास में दिखाई कि देखो यह भी इस तरह की कविता लिखती है। और कविता के बाद दोनों में देखने के बाद बड़ी मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब लड़कियां खेलती थी तो हम लोग तुक मिलाते थे। और उस समय एक पत्रिका निकाली थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी,
फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे। उस कवि सम्मेलन में हम लोग वहाँ जाने लगे। अब लेखिका यहाँ बताती है कि हमारे लेखनी का प्रभाव किस तरह उजागर हुआ। तो पहला सहयोग तो वहाँ सुभद्रा जी ने उनको दी। छात्रावास में छोटी छोटी कविताओं को लिखकर जब वह एक पत्रिका में देने लगी तब उनका प्रचार प्रसार कवि सम्मेलन के क्षेत्र में चला गया। और 1917 में जब यहाँ आई तो उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार भी चलता रहता था। कवि सम्मेलन होते तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी और हम कविता सुनाते थे। कवि हरियोध जी अध्यक्ष होते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी मैडम जब वहाँ लेकर जाती थी और महादेवी जी कविता सुनाती थी तो महादेवी की कविता वहाँ इस प्रकार हरियोध श्रीधर पाठक कवि रत्नाकर होते थे जो हमें नाम से पुकारते थे। मेरी पहचान यहाँ तक बन गई। मेरी पहचान यहाँ तक बन गई कि कवि मुझे अपने नाम से पुकारने लगे। अब इन बातों को सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। महादेवी जी ने अपने जीवन काल में लिखा है कि मुझे 100 से अधिक पुरस्कार मिले। इसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू यानी गांधी जी। हम लोग अब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। देखिए जो व्यक्ति आचरणशील होते हैं कर्मठ होते हैं वह अपनी छवि को अपनी शिथिलता से रोकते नहीं हैं। महादेव जी को ऐसा नहीं लगा कि मेरी कविता की उपलब्धियां बहुत सारी हो रही है इसलिए मैं स्वाधीनता समर में नहीं जाऊं, उधर अपने दिमाग को ना अग्रसर करूं। नहीं, कविता की रचना करते हुए भी उन्होंने स्वाधीनता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जीतोड़ प्रयास किया। जो कुछ उनके पास एक दो पैसे बचते थे उन्हें मन में यह भावना लगती थी कि मैं किस तरह से गांधी जी का सहयोग करूं। और गांधी जी के सहयोग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ बचा के रखती थी। अब एक बार की घटना उन्हें याद आ जाती है कि उन्हें एक चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला था और बड़ा ही नक्काशीदार और सुंदर था। एक दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उसे आकर कहा देखो मुझे यह पुरस्कार मिला है। वह तो काफ़ी खुश हो गई। सुभद्रा ने कहा ठीक है हम तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब उनके पुरस्कार से सुभद्रा जी इतना खुश हो गई कि कहती हैं कि ठीक है इस पुरस्कार में तुम खुश हो करके इस कटोरा में तुम मुझे खीर बनाकर खिला दो। उसी दिन आनंद भवन में बापू आए। जब हम लोग अपने जेब खर्च में से हमेशा एक दो आने देश के लिए बचाते थे जब बापू जी आते थे तो वह पैसे उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू मेरे पास में गई तो अपने कटोरा भी लेती गई। जब बापू से मिलने गई तो मैं कटोरा भी ले गई और बताया उन्हें कि देखिए मुझे यह पुरस्कार में मिला है। बापू ने हंस के कहा दिखाओ कटोरा और दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। अंदर से गांधी जी बहुत खुश हुए। कहने लगे अच्छा दिखा दो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू दे देती है इसे। अब गांधी जी उस कटोरे के बारे में
कहते हैं कि क्या तुम इसे दे देती है? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। मुझे एक बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि इस कटोरा के बारे में मैंने तो सुभद्रा जी से कहा था कि मैं आपको खीर बनाकर खिलाऊंगी। जाओ जाने दो दिखाने, फिर बोली, देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में ही खिलाओ। कहानी के शेष भाग की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी, क्योंकि कहानी यह बहुत लंबी है। धन्यवाद।